दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मुद्दे के ऊपर, जो कि गाइज हमारा फ्री फायर। फ्री फायर अगर हमारे इंडिया के अंदर बैन हो चुका है तो फ्री फायर मैक्स क्यों नहीं हुआ, वो अभी तक प्ले स्टोर के अंदर क्यों है। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एकदम सब कुछ एकदम सच बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्या हुआ हमारे फ्री फायर के अंदर और फ्री फायर मैक्स के अंदर, जो कि हमारा फ्री फायर आज की डेट में बैन कर दिया गया है और फ्री फायर आज भी हमारे प्ले स्टोर पर जिंदा है। देखो ऐसा कहना है कि भाई आप लोगों ने जितने भी यूट्यूबर देखे होंगे उन्होंने सभी ने बोला है कि हमारा फ्री फायर बैन हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं निकल के आया कि आपका फ्री फायर को बैन कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग एयरटेल के कस्टमर केयर को अगर फ़ोन लगाते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाँ कुछ ऐसे चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है, उसके लिए हमें खेद है। तो आप लोगों को बता दूं भाई, हमारा फ्री फायर जो है वो चाइना का एप्लीकेशन नहीं है, वो सिंगापुर का है और वहाँ पर एक उसका मालिक नहीं है, बहुत सारे मालिक हैं, उसके काफ़ी सारी टीम बनके उसको वहाँ पे हैंडल करती है। सो आप लोग ये समझ जाओगे कि ये चाइना का नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ पार्टनर उसके चाइना के भी हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको चाइना का नहीं कह सकते। तो ये मुद्दा हम लोग ख़त्म कर देते हैं कि चाइना का ऐप सोच के उसको बैन नहीं किया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं गाइस कि इसके ऊपर जो क्राफ्टलैंड, जो कि गाइस यहाँ पे पबजी ने मतलब पबजी का फ्री फायर ने कॉपी किया है, मतलब टोटली पबजी जैसा ही हम लोगों ने फ्री फायर वालों ने इसके अंदर दे दिया है। उसकी वजह से उन्होंने केस लगाया कि हमारा गेम क्यों कॉपी कर रहा है गरेना, इसको हम यहां से बैन करा देंगे। और गाइस साथ ही में एक केस और इसके ऊपर चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा फ्री फायर के पीछे एक और नाम लिखा रहता था यहाँ पे फ्री फायर लुमिनेट। तो यहाँ पे गाइस ये जो लुमिनेट वर्ड था ना वो किसी जाति धर्म के ऊपर था, आप लोग देख सकते हो ये जो लुमिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, लुमिनेट गाइस ये किसी की जाति धर्म से अपमानित वर्ड है, इसकी वजह से उन लोगों ने भी इसके ऊपर केस कर दिया था। और गाइस कुछ ही साथ ही में चलते यहाँ पे कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया था गेम के ऊपर, उन लोगों का भी केस इसके ऊपर जारी था। हालांकि गाइस अभी गरेना बहुत सारे केसेस के ऊपर यहाँ पे झूल रहा है। और अभी हम बात कर लेते हैं आखिर फ्री फायर हमारा मैक्स क्यों बैन नहीं हुआ। देखो गाइस आपको बता दूं, फ्री फायर मैक्स अभी हमारे हाल ही में इंडिया के ऊपर लॉन्च हुआ है, यानी इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है गाइस उन लोगों को अभी फ्री फायर मैक्स के बारे में नहीं पता है, अगर जैसे उन लोगों को फ्री फायर मैक्स के बारे में पता चल जाता है तो उसको भी बैन करा सकते हैं, क्योंकि गाइस कंपनी और मालिक दोनों का एक ही है। तो चलो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। हाल ही में गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि गरेना को शायद से पता नहीं है कि प्ले स्टोर से उसके एप्लीकेशन को हटा दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, गरेना को सब कुछ पता है। दोस्तों आप लोग इस एसएस को थोड़ा ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ अपलोड किया है, फ्री फायर इज सस्पेंडेड फॉर 1 मंथ नॉट बैन। इन्होंने बोला है कि फ्री फायर को बैन नहीं किया है और वो जो है सिर्फ एक महीने के लिए सस्पेंड कर देगा, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है। गाइस इन्होंने ये भी कहा है कि डोंट फील बैड, क्योंकि गाइस यहाँ पे अभी हमारा फ्री फायर बैक आ जाएगा, डोंट वरी। इस टाइम चलते गरेना कुछ अपनी परेशानियों के अंदर झूल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, जैसे अपनी परेशानी से निकल जाएगा आपका प्ले स्टोर पर फ्री फायर आ जाएगा। लेकिन यार मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर हमारा कोई भी इंडिया के अंदर एप्लीकेशन बैन हो जाता है तो वो हमारा बिना वीपीएन के नहीं चलता है, लेकिन आप लोग खेल रहे होंगे बिना वीपीएन के अपने फ्री फायर को। सो मुझे लगता है कि गाइस हमारा फ्री फायर को बैन नहीं किया गया, वो सिर्फ हमारे यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि गाइस आप लोग देख रहे होंगे बिना वीपीएन के आप लोग अपना गेम खेल रहे होंगे, जिससे गाइस आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिल रही होगी। जैसा आप लोग पहले खेलते थे वैसा ही आज आप खेल रहे हैं, बट फर्क इतना है कि आप लोग अपना फ्री फायर को डाउनलोड नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं अगर आप लोगों को फ्री फायर डाउनलोड करना है तो वो कैसे कर सकते हो, ऑफिशियल तरीके से गाइस, आपको कोई भी चीज़ की झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपको बता दूं, आपको गरेना के वहाँ पे जाना है इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, और वहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है गरेना फ्री फायर इंडिया का, और वहाँ पे आ जाएगा आपको वेरीफाइड अकाउंट है, देन उसके बाद में उसके बायो में गाइस वहाँ पे एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके सिंपल से क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है और आप लोग आराम से अपने फ्री फायर को खेल सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक।